हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक इन फो इन हिंदी में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त अनीश। फ्रेंड, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वावे के दो फोन के बारे में, जिसका नाम है P10 एंड P10 प्लस, जो कि MWC 2017 में लॉन्च हुआ है। तो आइए इस दोनों फोन के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और खासकर इसके कैमरे पे फोकस करेंगे, क्योंकि वावे का सबसे बेस्ट चीज होता है कैमरा। तो उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें इसमें दी गई है जिससे आप अच्छा कैमरा कर सकते हैं। तो अगर आपको इस फोन के बारे में ठीक से जानना है तो फ्रेंड इस वीडियो को आप पूरा अच्छे से लास्ट तक देखिए, तभी आप इस फोन के बारे में ठीक से जान पाएंगे। और एक बात फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे टेक वीडियोज और ऐप रिव्यूज लाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वैसे तो P10 और P10 प्लस का दोनों का स्पेसिफिकेशन सेम है लगभग, लेकिन कुछ कुछ चीजें अलग है। पहले हम बात करते हैं P10 के बारे में। P10 की बात करें तो उसका जो डिजाइन है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके डिस्प्ले के बारे में अगर मैं बताऊं तो 5.1 इंच का ये इसका डिस्प्ले है, जो कि फुल एचडी डिस्प्ले है, और इसका रेजोल्यूशन होगा 1080x1920 पिक्सल का। और इसमें जो प्रोटेक्शन लगा हुआ है स्क्रीन पे वो होगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का। चलिए थोड़ा सा इंटरनल पार्ट को झांक के देख लेते हैं क्या चीजें दी गई है। वहां पे आपको हाई सिलिकॉन किरिन का 960 का प्रोसेसर, यहाँ मतलब वावे का खुद का बना हुआ प्रोसेसर है जो इसमें दिया गया है। साथ ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसमें आपको 4 कोर देखने को मिलेगा 2.4 गीगाहर्ट्ज का, कॉर्टेक्स A73 के आर्किटेक्चर पे बना हुआ। और जो 4 कोर होगा 1.8 गीगाहर्ट्ज का होगा, जो कि कॉर्टेक्स A53 के आर्किटेक्चर पे बना हुआ होगा। तो ये बात हो गई प्रोसेसर। अगर बात करें इसके इंटरनल मेमोरी की तो यहाँ पे 64 GB का इंटरनल मेमोरी दिया गया है, जिसको आप माइक्रो एसडी कार्ड के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो रैम है वो 4 GB का दिया गया है। तो ये सब चीजें हो गई इंटरनल पार्ट की। मेन चीज और एक छूट गया है, जो कि है माली का GPU। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे माली का लेटेस्ट GPU दिया गया है, जो कि होगा G71 का MP8 का। जी हाँ। और अगर कैमरे की बात करें फ्रेंड, जिसके बारे में आपको बता रहा था, तो कैमरा यहाँ पे डुअल कैमरा दिया गया है बैक साइड में, जो कि होगा 12 मेगापिक्सल का एक कैमरा, और एक कैमरा होगा 20 मेगापिक्सल का। दोनों कैमरा का जो सेंसर होगा, मतलब 12 मेगापिक्सल का जो सेंसर होगा वो होगा RGB, दूसरा जो होगा मतलब 20 मेगापिक्सल का वो होगा मोनो सेंसर। तो दोनों का सेंसर अलग अलग है। और इसमें जो है 4K वीडियोस भी आप इस कैमरे से बना सकते हैं, साथ साथ लेजर ऑटो फोकस है, इसमें LED फ्लैश है डुअल टोन वाला। तो ये सब चीजें इसमें फीचर्स दी गई है। अगर बात करें इसके अदर फीचर्स की तो HDR, पैनोरामा, जियोटैगिंग, टच फोकस, फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस वगैरह इस कैमरे में आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरे की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है। अब चलिए फ्रेंड्स हम थोड़ा सा इसके बैटरी पे गौर करते हैं। बैटरी जो है 3200 mAh का यहाँ पे दमदार बैटरी दिया जा रहा है। तो ये सब तो स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताया, बट इसका प्राइस कितना हो सकता है वो अब मैं आपको बताऊंगा। इसका प्राइस अगर दूसरे कंट्रीज जहाँ पे लॉन्च होने वाला है वहां से अगर कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी में हम बताएं तो यहाँ पे 45,000 के लगभग आपको मतलब ये जो फोन है P10 वो देखने को मिलेगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स P10 प्लस फोन के बारे में जानते हैं, उसमें क्या क्या चीजें अलग दी गई है। जो जो चीज अलग दिया गया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली चीज डिस्प्ले है, 5.5 इंच का उसमें डिस्प्ले दिया गया है, जो कि होगा क्वाड HD डिस्प्ले। और आपको इसमें देखने को मिलेगा जो मतलब कैमरा है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, जैसे कि इसमें मतलब P10 में था 2.2 का एपरेचर कैमरे का और इसमें होगा 1.8 का एपरेचर। साथ साथ यहाँ पे बैटरी में डिफरेंस है, मतलब P10 प्लस में थोड़ा सा बैटरी को बढ़ाया गया है, इसमें दिया गया है 3750 mAh का बैटरी। अगर बात करें इंटरनल मेमोरी और रैम की तो यहाँ पे भी डिफरेंस है, मतलब कि आपको P10 प्लस में दो ऑप्शन मिलता है, इसमें दो वेरिएंट आएगा। पहला वेरिएंट होगा 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी का, और दूसरा जो वेरिएंट होगा वो होगा 6 GB रैम और 128 GB तक का इंटरनल मेमोरी के साथ, जिसको आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे। तो ऐसा इसमें डिफरेंस दिया गया है, मतलब इस चीजों में डिफरेंस किया गया है और कुछ भी अलग नहीं है, दोनों ही लगभग सेम है। अब अगर P10 प्लस फोन की अगर मैं प्राइस बताऊं फ्रेंड, तो इसका प्राइस हो सकता है 50,000 से 55,000 के लगभग, मतलब 50,000 वाला जो वेरिएंट होगा मतलब वो होगा 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी, और जो 55 वाला होगा वो होगा 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी वाला। तो इस तरीके का ये फोन आने वाला है। अब देखिए फ्रेंड, इंडिया में ये कब तक आता है और किस प्राइस रेंज तक आता है, फिलहाल ये एक्सपेक्टेड प्राइस है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कैमरा फोन है, अगर किसी को भी कैमरे की जरूरत है बहुत बेस्ट कैमरा का, तो ये कैमरा जो है आप ले सकते हैं, ये फोन जो है आप परचेस कर सकते हैं फ्रेंड्स।
अभी के लिए चलता हूँ फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।